अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बटर नान। हमने यहाँ पर एक कप मैदा, हाफ कप आटा लिया है जिससे हम रोटी बनाते हैं वो वाला आटा लिया है हमने। ये यहाँ पर हमने 2 बड़े चम्मच तेल लिया है, आप कोई भी कुकिंग ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर 2 बड़े चम्मच हमने दही लिया है गूंदने के लिए गर्म पानी। यहाँ पर हमने 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हमने चीनी ली है, 1/2 छोटा चम्मच हमने नमक लिया है और गूंदने के लिए हमने एक बाउल ले लिया है। हम अपने आटे को इस बाउल में शिफ्ट कर लेते हैं। यहाँ पर बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर को भी हम इसी में डाल लेते हैं और नमक भी हम इसमें डाल लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी भी हम इसी में डाल लेते हैं, आप चाहें तो किसी चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम इसमें दही डाल के मिक्स कर लेते हैं। दही डाल के हमें अच्छे से मिक्स करना है। जब दही बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर के साथ रिएक्ट करता है तो हमारी नान बहुत फ्लफी बनती है। आपको दही को अच्छे से इसमें मिक्स करना है, पानी नहीं डालना है। पहले दही के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर हम पानी के साथ इसको सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। हम ये गर्म पानी थोड़ा थोड़ा सा इसमें इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करना है, सॉफ्ट डो तैयार करना है। देखिए डो हमारा अच्छे से सॉफ्ट तैयार हो गया। हम इस पर थोड़ा सा ऑयल लगाकर 2 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तब तक ये अच्छे से फूल जाएगा। इसको हम रेस्ट करने के लिए रख देते हैं 2 घंटे। देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने डो को रेस्ट करने के लिए रखा हुआ था, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। देखिए डो हमारा एकदम बढ़िया से फूल कर तैयार हो गया है, अब हम इससे नान बनाना शुरू करते हैं। चलिए अब हम इसकी लोइयां बनाकर रख लेते हैं। देखिए हमने आटे से 5 लोइयां बनाकर रख ली हैं, अब हम नान बेलना शुरू करते हैं। देखिए हम इसको बेलने के लिए यहाँ पर सूखा आटा डाल लेते हैं थोड़ा, ताकि ये फ्लोर में चिपके ना। आप चाहें तो इसे किसी भी शेप में बेल सकते हैं, हम इसको ओवल शेप में बेल रहे हैं। आप चाहें तो गोल में भी बेल सकते हैं। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं। ओके, अब हम इसको एक बार बेल लेंगे इस तरह से। इसको हम पलट लेते हैं, एक बार और बेल लेंगे। अब हम इसकी बैक साइड पर पानी लगा लेते हैं ताकि ये तवे पर अच्छे से चिपक जाए। काफ़ी अच्छा अमाउंट में पानी लगाइएगा ताकि ये तवे से छूटे ना। देखिए हमने यहाँ पर इस तरह के लोहे के तवे का यूज़ किया। आप नॉनस्टिक तवे का यूज़ ना करें, अगर नॉनस्टिक तवे का यूज़ करेंगे तो उस पर नान चिपकेगी नहीं, छूट जाएगी। हमारा तवा गर्म हो चुका है, हम इसकी फ्लेम को स्लो रखेंगे। अब हम उस पर नान डाल देते हैं। हाँ
देखिए अभी हमारे नान पर बबल्स आने शुरू हो गए हैं। जब तक पूरी नान पर बबल ना आ जाए तब तक हम इसे पकने देंगे। देखिए हमारी पूरी नान पर अच्छे से बबल्स आ गए हैं। अब हम इसको तवे को उल्टा करके नान को सेक लेते हैं। फ्लेम को तेज करेंगे और देखिए इस तरह इसको घुमा घुमा कर सेकेंगे चारों तरफ से। इसको अच्छे से चारों तरफ से घुमा घुमा कर सेकें ताकि नान चारों तरफ से अच्छे से सिक जाए। इसको चेक करते रहेंगे ताकि ये सिक जाए और जले ना। देखिए नान हमारी बढ़िया से सिक कर तैयार हो गई है। चलिए अब हम अपनी नान को तवे से छुटा लेते हैं। चलिए अब हम अपनी नान पर बटर लगा लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमारी बटर नान कितनी अच्छी सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। देखिए हम आपको इसको दिखाते हैं। देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएँ ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचें।